आज हम लोग वेदर ऐप रिएक्ट जेएस में बनाएंगे और ये देखेंगे कि वेदर ऐप काम कैसे करता है। जैसे हम कोई भी लोकेशन टाइप करते हैं, उसके बेस पे हमें जो वहाँ का करंट टेम्परेचर होगा वो हम शो करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो वेदर ऐप का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा, जो कि मैंने भी बनाया है, और वो हम चीज़ें हम स्क्रैच से देखेंगे, स्टार्ट से लेकर के एंड तक। तो और इसके लिए जो हम API यूज कर रहे हैं वो हम वेदर API, ओपन वेदर मैप डॉट ORG करके वेबसाइट है, उसकी API यूज कर रहे हैं डेटा फेच करने के लिए कि उसका करेंट लाइक वेदर क्या होगा, लाइक वेदर क्या होगा एंड विंड एंड क्लाउड, सारी डिटेल्स के लिए हम वेदर के API यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे API डॉट ओपन वेदर मैप डॉट ORG, ये एक गेट रिक्वेस्ट है एंड उस पे आपको ये API की पास करनी पड़ेगी कुछ भी रिक्वेस्ट फेच करने के लिए। तो ये API की जब आप इस वेबसाइट पे वेदर API पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको क्या है, आपको इस API की इस पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरी API की ये शो हो रही है, तो इसके लिए आपको ओपन वेदर पे एक अकाउंट बनाना होगा, तब आपको इसकी सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी मैं फ्री मेंबरशिप यूज कर रहा हूँ, तो आप इसमें फ्री मेंबरशिप का अकाउंट ओपन करके इसकी API यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस में इस API को इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो चीज़ें देखते हैं। तो हम पहले सबसे पहले ये डिज़ाइन बनाएंगे एंड इसके बाद जो भी यहाँ पे सर्च होगा, जो भी लोकेशन सर्च होगी उसके बेस पे यहाँ पे हम वहाँ का टेम्परेचर दिखाएंगे। सपोज दिल्ली सर्च हुआ तो दिल्ली का टेम्परेचर शो करेंगे, मुंबई सर्च हुआ तो मुंबई का टेम्परेचर शो करेंगे। तो हम लोग एक पूरा वेदर ऐप रिएक्ट जेएस में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिएक्ट जेएस पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड उस ऐप का नाम देता हूँ वेदर एंड मैं इसके बाद यहाँ पे इसको इंटर कर देता हूँ एंड ये मेरा वेदर ऐप के रिएक्ट में क्रिएट होने लगता है एंड ये कुछ ही सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। तब हम इसके प्रोजेक्ट ओपन करके इस पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। तो चलिए हम उस ऐप को ओपन करते हैं और इस पर कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से फाइल पे जाता हूँ, ओपन फोल्डर एंड यहाँ पे वेदर ऐप एंड इस वेदर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को रन भी कर देता हूँ, यार्न स्टार्ट के थ्रू मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर दे रहा हूँ, तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो मैंने प्रोजेक्ट को रन किया तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट कुछ ऐसे जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है रिएक्ट का वो ओपन हो गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं SRC के अंदर यहाँ पे ऐप डॉट जे एस करके फाइल है, जो कि जो कोड इस पर लिखा हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे एडिट SRC ऐप डॉट जे एस लिखा हुआ है तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो ऐप डॉट जे एस पे ये सारा कोड लिखा हुआ है एंड इसके बाद जैसे ऐप डॉट टेस्ट डॉट जे एस की फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, तो हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड आप इसमें से अननेसेसरी फाइल्स रिमूव कर सकते हैं, जैसे लोगो डॉट एस वी जी की भी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। एंड और भी आप जो जो आपको अननेसेसरी फाइल लगे वो आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने लोगो डॉट एस वी जी वाली फाइल डिलीट की तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पे इरर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट जे एस वाली फाइल के कोड को पूरा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके कोड को डिलीट कर दिया है एंड H1 में मैंने जस्ट एक वेदर ऐप
लिख के मैंने जस्ट कॉपी किया। एंड अभी मेरे पास इरर आ रहे हैं लोगो डॉट एस वी जी, क्योंकि मैंने इम्पोर्ट कर रखा हुआ है, तो मैंने ये इम्पोर्ट को भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरे पास वेदर ऐप आ गया है। अब हमने जैसे स्टार्टिंग में मैंने डिज़ाइन दिखाई थी, हम वो चीज़ क्रिएट करेंगे। तो अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो बूटस्ट्रैप ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पे गया, मैंने एक और टर्मिनल ओपन किया एंड यहाँ पे ऐड करता हूँ यार्न ऐड बूटस्ट्रैप, एंड ये बूटस्ट्रैप वाली फाइल अपलोड हो जाएगी। एंड जब तक बूटस्ट्रैप की फाइल अपलोड हो रही है, तब तक मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ऐप डॉट सी एस एस में अभी भी जैसे कुछ जो पहले रिएक्ट हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो उसमें सी एस एस ऑटोमेटिक कुछ आती है, प्री रिटन सी एस एस होती है, तो उस सी एस एस की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसको भी मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ऐप डॉट सी एस एस के अंदर जो सी एस एस लिखी थी वो मैंने हटा दी। इसके बाद इंडेक्स डॉट सी एस एस में ये सी एस एस लिखे रहने देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, ऐप डॉट सी एस एस पे अपना कोड, यहाँ पे जो भी हमारी स्टाइलिंग यूज होगी वो हम ऐप डॉट सी एस एस पे लिखेंगे, एंड इसके अंदर हम अपना जे एस एक्स वाला पोर्शन लिखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप को ऐड कर लेता हूँ। इम्पोर्ट बूटस्ट्रैप डिस्ट सी एस एस एंड बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, बूटस्ट्रैप वाली फाइल को इम्पोर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें के लिए मैंने कुछ इमेजेस पहले से ही ओपन कर रखी हैं कि हम कौन सी इमेज को यूज़ करेंगे। जैसे मैं बैकग्राउंड के लिए ये इमेज यूज करूँगा, ये एक्यूवेदर की इमेज है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। एंड कुछ और एक आइकन के लिए मैंने इस इमेज को यूज करेंगे। ओके, ये तो ये और ये ओपन वेदर मैप की एपीआई के लिए है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन पहले हम बनाते हैं, इसके बाद फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कॉल एम डी 12 ले लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं एक क्लास ले लेता हूँ वेदर बीजी करके, इस पे हम अपनी इमेज यूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैं H1 यूज कर ले रहा हूँ वेदर ऐप। ओके, एंड मैं इस सी एस एस पे वेदर बीजी पे यहाँ पे मैं अपनी सी एस एस यूज करूँगा, बैकग्राउंड। एंड बैकग्राउंड में मेरा यू आर एल जाएगा, जो कि जो इमेज हमें यूज करनी है, तो हमें ये वाली इमेज यूज करनी है, ये इमेज यूज करनी है, तो मैं इस इमेज का यू आर एल जो भी है उसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड इसकी हाइट में कुछ फिक्स कर देता हूँ, हाइट मिनिमम 50 VH कर देता हूँ। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ एंड अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ एंड फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, तो अब हमें अगर इसको देखें तो हमारा कुछ ऐसा बन गया है जो मैंने उस पर लिखा हुआ था वेदर ऐप। यहाँ पे मैंने वेदर ऐप लिखा है एंड वेदर बीजी पे मैंने ये सी एस एस अप्लाई किया, हाइट 50 VH, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड वेदर ऐप मैंने लिखा हुआ। तो वेदर ऐप को इसको हम क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। तो मैं एक क्लास ले लेता हूँ हेडिंग, हेडिंग करके मैं एक क्लास ले लेता हूँ, उसका कलर क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ एंड इसको क्लास नेम दे देता हूँ हेडिंग। ओके, जैसे मैंने हेडिंग क्लास किया तो ये वाइट कलर में आ गया। इसका मैं फॉन्ट वेट भी बढ़ा देता हूँ
फॉन्ट वेट मैंने बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है कि इसके नीचे हमें क्या करना है, एक इनपुट फॉर्म बनाना है एंड एक सबमिट बटन बनानी है। ये दो चीज़ें हमें करनी है सबसे पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी वेदर बेजी के अंदर मैं क्या करूँगा, एक इनपुट फॉर्म बनाऊँगा एंड एक सबमिट बटन बनाऊँगा। तो मैं एक इनपुट फॉर्म ले लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड बूटस्ट्रैप के डिफ़ॉल्ट क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल ले लिया एंड एक मैं बटन बना लेता हूँ, बटन क्लास नेम बटन बटन प्राइमरी टाइप में मैंने बटन दे दिया एंड इस बटन का नाम मैं क्या कर दूंगा, सर्च कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट टाइप बना दिया एंड एक बटन बना दिया। अगर इसको हम देखें तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। इसको अब हम फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन सही कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक इन दोनों का पेरेंट एक ले लेता हूँ, div क्लास नेम, और इसमें कर देता हूँ डी ग्रेड एंड मैं इसको बता देता हूँ कि कॉल फोर में बनाना एंड एम्प्टी डैश स्पेसिंग कुछ ले लेता हूँ, फोर की स्पेसिंग ले लेता हूँ एंड इन दोनों को इसके अंदर कर देता हूँ। ओके, तो ये कुछ हो गया लेकिन अभी भी स्पेसिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं गैप दे देता हूँ, गैप डैश थ्री करके। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे मेरे पास स्पेसिंग भी आ गई। अभी मैं बूटस्ट्रैप वर्जन 5 यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे गैप डैश 3 यूज किया है। ओके, एंड इसके बाद अब मुझे क्या करना है, एक मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना लेता हूँ जो कि हमारा वो दिखाएगा बॉक्स में कि क्या टेम्परेचर है और सिटी का नाम क्या है। ओके, तो ये मेरा वेदर बीजी वाला बॉक्स बंद कर देता हूँ। इसके नीचे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, कॉल एम डी 12 ले लेता हूँ, कॉल एम डी 12 एंड कुछ टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ एंड स्पेसिंग दे देता हूँ ऊपर से। इसके बाद मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, शेडो एंड शेडो राउंडेड कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, वेदर रिजल्ट बॉक्स कर देता हूँ, वेदर रिजल्ट बॉक्स कर देता हूँ। अब इसके अंदर जैसे मैंने वेदर रिजल्ट बॉक्स किया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, वेदर रिजल्ट बॉक्स की कुछ CSS अप्लाई कर देता हूँ। वेदर रिजल्ट बॉक्स की मैं CSS अप्लाई कर देता हूँ एंड इसको क्या कर देता हूँ, मार्जिन ऑटो एंड इसके कुछ मैं विड्थ एंड हाइट फिक्स कर देता हूँ। विड्थ मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ एंड हाइट 300 पिक्सल कर देता हूँ, विड्थ करीब 500 पिक्सल के करीब कर देता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने विड्थ एंड हाइट सेट किया तो यहाँ पे मेरे पास एक शेडो आ गया, बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या है, सिटी का नाम लिखना है, टेम्परेचर लिखना है। ओके, एंड अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वेदर के आइकन है इसको हमें सबसे उस कार्ड के अंदर यूज करना है। तो कार्ड के अंदर यूज करना है इसको, तो मैं यहाँ पे एक IMG सोर्स लेता हूँ एंड इस सोर्स पे इसको मैं दे देता हूँ। जैसे ही मैंने IMG सोर्स यूज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इमेज कार्ड से बाहर जाने लगी। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसकी कुछ हाइट फिक्स करनी होगी क्लास लगा करके। तो मैं इस पर एक क्लास लगा देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ वेदर आइकन, एंड इस वेदर आइकन के CSS में अप्लाई कर देता हूँ। इसके CSS में अप्लाई कर देता हूँ विड्थ कुछ दे देता हूँ, अभी के लिए मैं 100 पिक्सल ट्राई करता हूँ एंड हाइट भी 100 पिक्सल दे देता हूँ।
विड्थ एंड हाइट मैंने जैसे 100 पिक्सल दिया, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक साइज सेंटर पे आ गया अभी ये। लेकिन स्पेसिंग टॉप से मैं स्पेसिंग भी दे देता हूँ, मार्जिन टॉप कर देता हूँ, 2 REM कर देता हूँ, तो यहाँ से स्पेसिंग टॉप से भी आ गया। एंड इसके बाद मुझे बस सिटी का नाम लिखना है एंड इसके बाद उसका टेम्परेचर लिखना है। तो यहाँ पे मैं H5 में दिल्ली लिखता हूँ एंड इसका नाम, इसके क्लास का नाम दे देता हूँ, क्लास नेम वेदर सिटी एंड इसके नीचे मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ H6 में, क्लास नेम टेम्परेचर, ओके एंड वेदर सिटी में मैं उसका फॉन्ट साइज को सेट कर देता हूँ 35 पिक्सल, डेली दिखने लगा। एंड इसी तरह मैं वेदर सिटी की जगह वेदर टेम्परेचर में मैं यहाँ दे देता हूँ 18 डिग्री सेल्सियस का दे देता हूँ। वेदर टेम्प में मैं CSS अप्लाई कर देता हूँ, फॉन्ट साइज में इसको कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 45 पिक्सल कर देता हूँ, जो सिटी का नाम से मैं उसको साइज बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखाई दे। 45 थोड़ा कम लग रहा है, अच्छा लग रहा है, 55 कर देता हूँ, हाँ अभी बेटर है। एंड इसका फॉन्ट वेट भी क्या कर देता हूँ, 700 कर देता हूँ, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा डिग्री सेल्सियस का आइकन भी कॉपी कर लूँ, सो डिग्री सेल्सियस कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको देखें तो ये 18 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी तो डिज़ाइन तो हो गई, बेसिक डिज़ाइन हो गई। अब हमें क्या करना है कि जब भी मैं यहाँ पे कोई भी सिटी टाइप करूँ, सपोज यहाँ पे दिल्ली टाइप करूँ एंड सर्च बटन पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे उसका सर्च रिजल्ट शो हो जाना चाहिए। वो चीज़ जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओपन वेदर की API यूज करेंगे, ठीक है। तो अब उसको यूज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट डेटा एंड सेट डेटा एंड यूज स्टेट पे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ एंड सबसे पहले जैसे मुझे API कॉल करनी है तो मैं AXIOS के थ्रू API कॉल करूँगा। तो मैं उसके लिए यार्न ऐड AXIOS कर लेता हूँ, तो ये AXIOS इंस्टॉल हो जाएगी। एंड मैं API कॉल का एक फंक्शन लिख लेता हूँ, कॉन्स्ट गेट वेदर डिटेल्स, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, XIOS.get, एंड यहाँ पे मुझे API की भी चाहिए होगी वेदर के लिए, तो मेरी API की क्या है, यह है API की, मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ। F मिसिंग हो गया था, जस्ट अ सेकेंड, तो मैंने इसको भी कॉपी कर लिया, API की को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंड इसके बाद XIOS.get जो भी API का पाथ है, कॉन्स्ट API URL, API URL मेरा क्या है, ये API URL है, ये API URL है, इसमें App ID इक्वल टू हमारा ये जाएगा जो भी हमारी API की है। एंड यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो केवल चेंज होगा यहाँ पे, ये जो जो भी हम इंटर करेंगे सिटी का नाम जो भी हम इंटर करेंगे वो क्या है यहाँ पे चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ सिटी नेम एंड इस क्यू को हटा करके यहाँ पे कर दे रहा हूँ सिटी नेम एंड प्लस लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी सिटी नेम मैं पास करूँगा उसके लिए मेरी API कॉल होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने सिटी नेम कर दिया एंड App ID में API की मैंने पास कर दिया। एंड XIOS.get API URL कर देता हूँ, डॉट देन रिस्पॉन्स
एंड कंसोल डॉट लॉग, इसको रिस्पॉन्स कर देता हूँ। हम पहले रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, एंड इसके लिए कैच वाला ब्लॉक भी हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे कैच वाला मैंने ब्लॉक हैंडल कर लिया। एरर केस आएगी तो हमारा एरर भी प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो हमें क्या है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हमें केवल प्रिंट, हम अभी केवल प्रिंट कर रहे हैं जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं इस API को कॉल कर दे रहा हूँ अभी के लिए यूज इफेक्ट पे। एक हार्ड कोडेड सिटी के लिए हम पहले चेक कर रहे हैं कि ये API चल रही है या नहीं चल रही है, और वो भी पेज लोड पे चेक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट वेदर डिटेल्स, एंड इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, दिल्ली पास कर रहा हूँ। तो मुझे चेक करना है कि API मेरी चल रही है या नहीं चल रही है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ नॉट सिटी नेम, देन हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा कोड यहीं से। तो अब मैं चेक करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, एंड उसके बाद वो चेक करता हूँ कि मेरे पास दिल्ली के लिए API कॉल हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो मैंने जैसे ही पेज रिफ्रेश किया तो दिल्ली के लिए मेरी API कॉल हो रही है, मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड कंसोल पे आप रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। ओके, तो मतलब यहाँ तक तो मेरा काम सही चल रहा है, मतलब मुझे API का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं रिस्पॉन्स किस पे आ रहा है, डेटा के अंदर मुझे आएगा, तो मैं RES डॉट डेटा कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अभी मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं कि आप मेरा रिस्पॉन्स क्या मिल गया, क्लाउड्स मिल गया, COD मिल रहा है, कॉट मिल रहा है, मेन मिल रहा है, हमारा जो टेम्परेचर मिल रहा है वो मेन के अंदर मिल रहा है, मेन डॉट टेम्प डॉट ये मिल रहा है, एंड सिटी का नाम ये मिल रहा है यहाँ पे नेम। ओके, तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन आई है हमें उसको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देना है, एंड इसके बाद फिर हमें जो जो की शो करनी है वो चीज़ हम शो कर लेंगे। हमें शो क्या करना है, एक हमें यहाँ पे मेन के अंदर जो टेम्परेचर है वो शो करना है, एंड उसका जो नाम है वो शो करना है। हमें यही केवल दो चीज़ें यहाँ पे शो करनी है, यहाँ पे जैसे सिटी का नाम जो भी टाइप हुआ था वो शो करना है, एंड इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर शो करना है। ओके, यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है वो केल्विन में आ रहा है, जैसे 291.2 है, ये केल्विन में है, तो हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, 273.15 से माइनस करेंगे तो जो भी टेम्परेचर आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो भी मेरा डेटा आया है इसको मैं सेट डेटा कर देता हूँ, सेट डेटा में क्या कर देता हूँ, RES डॉट डेटा कर देता हूँ, तो मुझे मेरे पास क्या हो गया, डेटा सेव हो गया। ओके, एंड इसके अलावा अब मुझे क्या करना है, डेटा की को मैप करना है और कुछ नहीं करना है। तो मेरे पास डेटा डॉट अगर नेम मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँ, डेटा डॉट नेम कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा क्योंकि मैंने दिल्ली के लिए सर्च किया था, एंड अभी टेम्परेचर मैं केवल जैसे प्रिंट करूँ, डेटा डॉट टेम्परेचर, डेटा डॉट मेन डॉट टेम, क्योंकि वो मेन के अंदर है ना, इसलिए हमें क्या करना होगा, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प करूँगा तो मेरा क्या आ गया, 291.2। अब ये डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे इसको मुझे पहले कन्वर्ट करना होगा जो भी डेटा आया है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प जो आया है इसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 273.15 से मुझे माइनस करना है, तो जो भी आएगा अभी आ रहा है, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डॉट टू फिक्स के साथ दो डिजिट पे दिखा देते हैं, डॉट टू फिक्स्ड ऑफ टू, तो दो डिजिट पे हमारा क्या टेम्परेचर क्या आया, 18.05 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये जो ओपन वेदर की API है ये हमें टेम्परेचर दे रही है केल्विन पे। ओके, मेन के अंदर जो भी हमें टेम्परेचर मिल रहा है ये हमें क्या है, ये केल्विन पे मिल रहा है। ओके, अब हमें इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, अभी तो ये हमारा क्या है, पेज लोड पे है, अभी जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेड है पेज लोड पे इम्प्लीमेंटेड है। अब हमें करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, सर्च बटन पे क्लिक करूँ, वो रिजल्ट वहाँ पे दिखाई दे जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए मुझे जब भी सर्च बटन पे क्लिक हो तो मुझे API कॉल करनी है। तो सबसे पहले मैं इस बटन के सबमिट पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिख देता हूँ,
ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे क्या होगा, हैंडल सर्च करके एक फंक्शन कॉल होगा। ओके, अभी मैं कॉन्स्ट हैंडल सर्च करके मैं फंक्शन जो मैंने लिखा है उस पर मैं अभी पहले कंसोल करके देखता हूँ मेरा, या अलर्ट करके देखता हूँ क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अभी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा अलर्ट आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ऑन क्लिक मेरा फायर हो रहा है, तो ये मेरा काम कर रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सर्च के टाइम पे मुझे क्या करना है, जब इस बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे जो भी इनपुट हुआ है उसकी वैल्यू कहाँ पे जानी चाहिए, एपीआई की, एपीआई में जानी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, ये एपीआई कॉल करनी है जब मेरा बटन क्लिक हो। ओके, तो गेट वेदर डिटेल्स ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर हमारी सारी एपीआई कॉल लिखी हुई है और इसी के अंदर हमारा क्या है, डेटा सेट हो रहा है। लेकिन इसको क्या चाहिए, सिटी का नाम चाहिए। तो सिटी के नाम हमें कैसे मिलेगा, तो हमने जो भी इनपुट टाइप हमने लिख रखा है उस पर हमें क्या करना होगा, एक हम एक यूज स्टेट और ले लेते हैं, कॉन्स्ट सिटी नेम, और इसको मैं लेता हूँ इनपुट सिटी, सेट इनपुट सिटी। ओके, एंड यूज स्टेट पे उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ। ओके, एंड इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एंड कॉन्स्ट हैंडल चेंज इनपुट, यहाँ पे क्या होगा, अब मैं मुझे इनपुट पे मुझे ऑन चेंज लगाना है, ऑन चेंज मैंने लिख दिया, ऑन चेंज पे मेरा क्या होगा, हैंडल इनपुट चेंज कॉल होगा, हैंडल चेंज इनपुट कॉल होगा, एंड इस पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी मुझे क्या करना है, सेट इनपुट सिटी में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मुझे मिल जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे जस जो भी इनपुट टाइप में मेरा मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो मेरा क्या कॉल होगा, हैंडल चेंज इनपुट फंक्शन कॉल करेगा। हैंडल चेंज इनपुट फंक्शन क्या करेगा, जो भी उसको वैल्यू मिल रही है उसको क्या करेगा, इनपुट सिटी के अंदर वो सेट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मुझे मिल क्या रहा है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू एंड ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एंड इसके बाद यहाँ पे मुझे वैल्यू वाले की भी प्रिंट करनी होगी कि इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू क्या होगी मेरी, इनपुट सिटी होगी। अब मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, आप वो चीज़ देखिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अभी मैं देखो यहाँ पे टाइप करूँगा डी ई, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मुझे मिल क्या मिल रहा है, ई मिल गया, कुछ भी जो भी टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरी वैल्यू ई है, अभी यहाँ पे जो भी मैंने जस जो भी टाइप किया है वो मुझे, जैसे मैंने एस, अभी मैं डी टाइप करने जा रहा हूँ, ओके, तो मुझे यहाँ पे डी मिल गया, ये देखो अभी मैं ई टाइप करने जा रहा हूँ तो ई मिल गया, एफ जी एच, तो जो भी टाइप कर रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू में इनपुट सिटी पास कर रखी है और इनपुट सिटी मेरा क्या है, ब्लैंक है, तो वो हमेशा ब्लैंक ही सेट हो रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करना होगा, जो भी मेरा टाइप हो रहा है सेट इनपुट सिटी वो वहाँ पे मुझे सेट करना पड़ेगा। अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे मैंने दिल्ली टाइप किया तो मैं यहाँ पे दिल्ली आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस सर्च पे इस फंक्शन को कॉल करना और यहाँ का रिजल्ट चेंज करना। अभी मैं इस पर सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मेरा हैंडल सर्च वाला फंक्शन केवल गेट वेदर डिटेल्स कर रहा है एंड उसको सिटी नेम मिलता नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, मुझे सिटी का नाम भी भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जो भी इनपुट सिटी है वो जाएगी एंड इसके बाद डेटा मेरा चेंज होगा। अब हम चेक करते हैं इसको रिफ़्रेश करके, रिफ़्रेश मैंने किया तो सबसे पहले मैंने एक यूज इफेक्ट एक पेज पे मैंने एपीआई कॉल कर रखी है, एक सेकेंड मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं कुछ भी जैसे मान लो मुंबई टाइप कर रहा हूँ, ओके, मुंबई मैंने टाइप किया एंड इसके लिए जैसे मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा नेटवर्क टैब में मेरी एपीआई कॉल होनी चाहिए, तो नेटवर्क टैब में मेरी एपीआई कॉल हुई एंड इसका रिस्पॉन्स भी आ गया, टेम्परेचर 301 एंड यहाँ पे आप मुंबई का टेम्परेचर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक
चेंज हो गया, यहाँ पे 27.99 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली टाइप करूँगा तो यहाँ पे दिल्ली का टेम्परेचर आ गया। यहाँ पे मैं और कोई सिटी टाइप करूँगा, जैसे मैंने इलाहाबाद टाइप किया तो यहाँ पे इलाहाबाद का टेम्परेचर आ गया। तो यहाँ पे और मैं बनारस का टाइप करता हूँ तो यहाँ पे बनारस के लिए शायद इनके पास डेटा नहीं है, या फिर वाराणसी करके होगा, तो वाराणसी के लिए टेम्परेचर आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो भी अगर आपको इशू लग रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा फाइनल वेदर ऐप जो कि ओपन वेदर मैप की एपीआई यूज कर रहे हैं। आप इसको मैं इसको गिटहब में भी पुश कर दूंगा, आप इस कोड को फोक करके आप चेक कर सकते हैं कि और कुछ मतलब इसमें चेंजेस का। जैसे हाँ, इसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक यूज इफेक्ट लगाया हुआ था पेज लोड पे, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमने केवल टेस्ट करने के लिए लगाया था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अभी जैसे हम इस पर चेक करेंगे तो अभी अभी यहाँ पे आ रहा है NAN डिग्री सेल्सियस आ रहा है, क्योंकि अभी इसके लिए स्टार्टिंग के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो इस पे हम यहाँ पे ये बॉक्स हम तभी दिखाएंगे जब हमें क्या है, जब हमारे पास रिजल्ट है। तो मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तभी ये बॉक्स दिखाई दे, नहीं तो ये बॉक्स ना दिखाई दे। ओके, तो अभी ये बॉक्स नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपने दिल्ली सर्च किया तो ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे दिल्ली का टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ पे मुंबई का आप सर्च कर सकते हैं तो ये मुंबई का टेम्परेचर आया। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।